अस्सलाम वालेकुम। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लिंकेज एंड रिकम्बिनेशंस। इससे पहले की लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, द ट्रांसमिट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मॉर्गन और उसके कुछ साथी मिलके इस बात को वेरीफाई करना चाहा कि क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है कि ट्रांसमिट ऑफ कैरेक्टर के लिए। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उसमें जो ऑर्गेनिज्म उन्होंने जो सिलेक्ट किया, फ्रूट फ्लाई कॉमनली कॉल्ड एज ड्रोसोफिला, उसको सिलेक्ट किया। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, डाईहेब्रिड क्रॉस किया, एक मेल दिया दूसरा फीमेल दिया, इनके बीच में उन्होंने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। फिर जो F1 जो जनरेशन बने, फिर इस F1 जनरेशन को फर्दर उन्होंने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो F2 जनरेशन आए उसमें जो फिनोटाइपिक रेशो उनको जो आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल, पी प्लांट के टाइम पे जो मेंडल ने बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको मद्देनजर रखते हुए उनको आना, मॉर्गन को भी आना चाहिए था 9:3:3:1, लेकिन मॉर्गन को ये रेशो नहीं आया ड्रोसोफिला। इसके बाद मॉर्गन ने बताया कि ये इसलिए नहीं आया क्योंकि दो फैक्टर एक ही क्रोमोसोम्स पे क्या हो सकते हैं, प्रेजेंस हो सकते हैं। जब अगर दो फैक्टर एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर प्रेजेंस है तो ये एक दूसरे के साथ क्या शो करते हैं, कुछ फिजिकल एसोसिएशंस शो करते हैं और इसी को उसने नाम दिया लिंकेज। अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स प्रेजेंस है तो उनके बीच में कुछ फिजिकल इंटरेक्शंस होंगे और इसी इंटरेक्शंस को, इसी फिजिकल एसोसिएशंस को उसने नाम दिया लिंकेज। और ये जो लिंकेज है, लिंकेज दो किस्म से हो सकते हैं, एक कंप्लीट लिंकेज हो सकते हैं या एक कंप्लीट, ये एक दूसरा जो होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर जीन्स कंप्लीट लिंकेज अगर शो करें तो उसमें न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं, सिर्फ पेरेंटल ही होंगे, उसमें न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही बनेगा। लेकिन अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो उनमें क्या बनते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्यों, कैसे बनेंगे न्यू कॉम्बिनेशन, ड्यू टू द रिकम्बिनेशन, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द टू क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इट रिकम्बिनेशन। या आप इस तरह से याद रख सकते हो, अगर एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर दो जीन्स प्रेजेंस है और इनके बीच में इनकम्प्लीट लिंकेज है, उनके बीच में जो फिजिकल जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे पेरेंटल कम्बिनेशन के अलावा न्यू कम्बिनेशन बनते हैं। और इसी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कम्बिनेशन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मॉर्गन सिलेक्टेड फ्रूट फ्लाइज और इसका कॉमन नाम क्या था, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो सिर्फ उसने ड्रोसोफिला को ही सिलेक्ट क्यों किया, दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, इसमें तीन रीजंस था। पहला, ड्रोसोफिला को कोई स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव सबस्टन नहीं चाहिए, ये सैंपल मीडियम या मीडिया के ऊपर क्या करते, ग्रो करते हैं, सैंपल न्यूट्रिटिव सबस्टेंस उसको चाहिए, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव मीडियम उसको नहीं चाहिए, पहला रीजन। दूसरा रीजन, एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से बहुत सारे प्रोजेनी देते हैं। ठीक है, और जो थर्ड रीजन था, कोई भी हेरिटेबल जो चेंजेस हो, कोई हेरिटेबल जो वेरिएशंस आए उसके जो फिनोटाइपिक, जो उसमें से जो प्रोजेनी बनेंगे, जो उसका प्रोजेनी बनेंगे, वहाँ पे हमें इजीली क्या होते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये तीन रीजन था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, ड्रोसोफिला के अंदर उन्होंने क्या किया, डाईहेब्रिड क्रॉस किया, डाईहेब्रिड क्रॉस। देखो पहला तो उन्होंने फीमेल लिया, एक फीमेल और दूसरा क्या लिया, मेल, इनके बीच में अलाउ किया ये दोनों क्या करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा में फीमेल में उन्होंने
करेक्टर को चूज किया, बॉडी का जो कलर था वो क्या था, येलो था विथ व्हाइट आईज। इसको क्रॉस किया गया किसके साथ, क्रॉस किया किसके साथ, ब्राउन बॉडी का कलर जो ब्राउन था दूसरा, और आई का जो कलर थे वो रेड था। इसके साथ उन्होंने क्या क्या क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो यहाँ सपोज देखो हम इस तरह समझते हैं कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और इसको हम लिखते हैं देखो कैपिटल आर कैपिटल आर, और इसको लिखते हैं स्मॉल वाई और ये स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ से जो एफ वन जो जेनरेशन बनेंगे, फिर पहले तो यहाँ से गेमेट्स बनेंगे इस तरह, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कैसे बनते हैं, यहाँ पे फोर बनते हैं, मैं एक ही शो कर रहा हूँ। अब देखो एफ वन जनरेशन पे क्या होंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह से बना। अब इसको फर्दर उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अलाउ किया। अलाउ करने के बाद ये जो एफ टू जनरेशन जो बना, ये एफ टू जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो था, जो फिनोटाइपिक रेशियो था सॉरी जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो ये नहीं आया, 9:3:3:1 ये नहीं आया, ये नहीं आया, मॉर्गन को ये रेशियो नहीं आया, लेकिन मेंडल को आया था। एट द टाइम ऑफ पी प्लांट के अंदर उसने क्या किया था, डायविड क्रॉस किया, तो मेंडल को ये रेशियो आया था। इसके बाद मॉर्गन ने बताया कि इसमें जो दो जीन्स हैं, ये दो जीन्स एक ही क्रोमोजोम्स के ऊपर प्रेजेंट हो सकते। सपोज देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम्स है, ठीक है, इसी क्रोमोसोम्स के अंदर देखो ये प्योर है, प्योर है तो ये कैपिटल वाई और ये कैपिटल आर, और ये भी प्योर है कैपिटल वाई और कैपिटल आर। ये दो फैक्टर्स है एक ही क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंस है इस तरह से। इसके बाद जो यहाँ पे एफ टू जो एफ वन जो जनरेशन बनेगा, ये स्मॉल वाई ये स्मॉल आर। अब देखो ये दोनों जीन्स एक दूसरे से एसॉर्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सिर्फ पेरेंटल ही कम्बिनेशन बनेंगे, बाकी कम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बन सकते अकॉर्डिंग टू मॉर्गन। मॉर्गन बता रहा है कि कुछ क्रोमोजोम कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं एक ही क्रोमोजोम्स के अंदर, एक ही क्रोमोजोम्स के ऊपर एक से ज़्यादा फैक्टर प्रेजेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते। अगर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं तो उसको भी आना चाहिए था ये रेशो, मॉर्गन को भी ये रेशो आना चाहिए था ड्रोसोफिला के केस में, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंस होता है। अब ये जब एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंस है, देखो मैं रब कर देता हूँ यहाँ तक, अगर ये एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंस है तो इनके बीच में कुछ फिजिकल इंट्रैक्शन होंगे, कुछ फिजिकल एसोसिएशन होंगे इस दो जीन्स के बीच में, इसी को उसने नाम दिया लिंकेज। क्या नाम दिया? लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या होता है? द फिजिकल फिजिकल एसोसिएशन फिजिकल एसोसिएशन एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स बिटवीन टू जीन्स प्रेजेंस प्रेजेंट एट ए सिंगल क्रोमोसोम्स सिंगल। दो जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर जो प्रेजेंस है, इन दोनों के बीच में कुछ एसोसिएशंस कुछ इंट्रैक्शंस होते हैं, इसी इंट्रैक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? लिंकेज। ठीक है, अब देखो ये जो लिंकेज है दो कस्म के होते हैं, एक होता है कंप्लीट लिंकेज जीन्स, ये लिंकेज जो होता है दो कस्म के होते हैं, एक होता है कंप्लीट लिंकेज जीन्स, दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज जीन्स, इन कंप्लीट लिंकेज जीन्स। जो कंप्लीट लिंकेज जीन्स होते हैं इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे एक जीन्स, यहाँ पे एक जीन्स ए बी, इन दोनों के बीच में अगर फिजिकल डिस्टेंस बहुत कम हो तो यहाँ पे न्यू कम्बिनेशन बनने का प्रोबेबिलिटी जो होते हैं कम होते हैं, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर शो नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या डिस्टेंस कम है इसीलिए क्रॉसिंग ओवर शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें सिर्फ पेरेंटल टाइप ही बनी है, ओनली पेरेंटल टाइप बनते हैं यहाँ। कंप्लीट लिंकेड
की कंडीशंस में हमें सिर्फ पेरेंटल बनते हैं, लेकिन जो इनकम्प्लीट जो लिंकेज होते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशंस। फॉर्मेशंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर या बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशंस। देखो इसको समझने के लिए, सपोज यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स ए है, इसके अंदर दो जीन्स है, इस तरह ये इसका क्या है अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, क्योंकि हर जीन्स का क्या होता है अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, इस तरह से इंटरफेस में। इसके बाद ये एस फेस में एंटर करते हैं, एस फेस में क्या होता है डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं, ये दो बनते हैं और ये होमोलोगस क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह। आप लोगों को पता होगा, देखो ये सब ए है, ये बी है, ये कैपिटल ए कैपिटल बी, क्योंकि इसका डबल बन चुका है डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से। और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, देखो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, इस तरह से। अब जब ये देखो इसके बाद क्या होता है, इसको मैं कम्प्लीटली इस तरह ग्रीन से शो करते हैं करता हूँ। अगर ये इनकम्प्लीट लिंकेज जींस है, इनके बीच में लिंकेज अगर कम है, तो ये क्या शो करते हैं क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं। देखो कैसे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, ये कैपिटल ए है कैपिटल बी है, ये कैपिटल ए है, लेकिन इसका आधा पोर्शन इसमें चला गया, क्यों, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर शो किया, ठीक है, इसका इतना पोर्शन ही रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्मॉल ए है लेकिन यहाँ पे कैपिटल बी आ चुका है, और यहाँ पे ऊपर कैपिटल ए है लेकिन यहाँ पे स्मॉल बी चला चुका जा चुका है, और यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसकी वजह से देखो यहाँ पे एक तो कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल ए कैपिटल ए, दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल ए कैपिटल ए, ये क्या है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, इसी तरह से तीसरा कॉम्बिनेशन स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल बी, और थर्ड जो है ए बी। देखो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है पेरेंटल टाइप है, देखो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों क्या है पेरेंटल टाइप है, ये दोनों क्या है पेरेंटल टाइप है, लेकिन यहाँ पे ये दो जो न्यू कॉम्बिनेशन बना है किसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से, ये क्या है नॉन पेरेंटल टाइप, किस कैसे बना रिकॉम्बिनेशन की वजह से, रिकॉम्बिनेशन। I hope you will understand what is mean by recombinations and what is mean by linkage. ठीक है, मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इसके बाद देखो ये बात समझ में आए कि हर जीन्स एसॉर्ट इंडिपेंडेंटली शो नहीं करते। अगर दो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हो तो प्रोबेबिलिटी उनमें ज़्यादा होते हैं एसॉर्ट इंडिपेंडेंट करने का, लेकिन अगर जीन्स एक ही दो जीन्स अगर एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर हो तो एसॉर्ट इंडिपेंडेंटली करने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बहुत कम होता है। अब देखो दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर हो, नज़दीक एक दूसरे के बहुत नज़दीक हो सकते हैं या एक दूसरे से दूर हो सकता है। अगर एक दूसरे से बहुत नज़दीक है तो वो न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वहाँ से सिर्फ हमें पेरेंटल टाइप ही मिलेगा। लेकिन अगर एक दूसरे के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है तो वहाँ से हमें न्यू कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, किसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होते हैं, इसके बाद रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मेशंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस होता है। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम डिस्कस करेंगे डीएनए के ऊपर, डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर, रेप्लिकेशंस एट्सेट्रा। थैंक यू वेरी मच।